हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको इसको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पे हम इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय है इसको ले लिया गया है। यहां पे क्या है लिखा गया है, उत्तल लेंसों की फोकस दूरी अधिकतम है। अब भैया उत्तल लेंसों की फोकस दूरी किसके लिए अधिकतम होते हैं, नीले प्रकाश के लिए या हरे प्रकाश के लिए या पीले प्रकाश के लिए या लाल रंग के लिए, मतलब लाल प्रकाश के लिए। तो याद रखें भैया कि उत्तल लेंसों की फोकस दूरी अधिकतम होती है तो वो नीले प्रकाश के लिए होती है। तो इसमें से जो पहला आपका ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान से समझना है। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि किसी सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो आपतन कोण होगा। मतलब यहां पे क्या कहा गया कि जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण के बराबर होगा तब जाकर अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा। मतलब यहाँ पे यदि हम फिगर से समझाएं तो ये क्या है, जब हमने क्रांति कोण पढ़ाया था तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, ये आपतन कोण है तो हम यहाँ से अभिलंब एक खींच लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपतन कोण है और क्रांति कोण, क्रांति कोण कब होगा भैया, कि ये क्रांति कोण और आपतन कोण दोनों क्या है भैया, ये आपस में बराबर है। मतलब यही क्रांति कोण है, यहां से जो मान लेते हैं आई जो बन रहा है यही आई भैया क्रांति कोण होगा जो आई सी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो जो आई है वो आई सी के इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रकाश किरणें सीधे निकल जाएंगी। ठीक है, प्रकाश किरणें सीधे निकल जाएंगी तो यहाँ पे किस प्रकार का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तभी तो क्रांति कोण कब बनता है, जब प्रकाश किरणें आपतन कोण के बराबर हो जाती है तो प्रकाश के क्या बनाता है, मतलब यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। आप उसको जानना चाहते हैं तो पूरा आप पढ़ सकते हैं, केवल आप लिखेंगे क्रांति कोण किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिलेगा, वहां से इसको पूरा डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इस पर पूरा अच्छे से आपको समझाया गया है। तो इसमें आपका दूसरा जो आंसर हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है दूसरा आंसर। अगला आता है तीसरा, यहां पे लिखा गया है कि प्रिज्म से गुजरने वाले निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश विचलन अधिक होता है। मतलब निम्नलिखित में से किस रंग का, मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है सिंपल वे में, तो किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिक होता है, मतलब किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। यहां पे लिखा गया लाल रंग या बैंगनी रंग या नीला रंग या हरा रंग। तो आपको याद रखना है भैया कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो वो होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि प्रकाशिक तंतु में निम्नलिखित में से प्रकाश के किस गुणों को प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रकाश के किस गुणों का प्रयोग किया जाता है, किस में भैया, तो प्रकाशिक तंतु में। तो याद रखेंगे भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे दो नंबर में है, तो ये आपका सही हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या व्यतिकरण यहाँ पे लिखा गया है, विवर्तन और प्रक्रियण ये सब नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। उसमें हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, आपको पूरा आपको बताया था जो क्या होता है प्रकाशिक तंतु, ऐसे हमने बनाया गया था बहुत ही अच्छे से, हमने प्रकाशिक तंतु बनाकर आपको डिटेल में ऐसे बताया था। थोड़ा सा मैं अगर फिगर से बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इस प्रकार हमने प्रकाशिक तंतु को हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि प्रकाश किरणें ऐसे जाती हैं फिर से इधर इस तरह क्या होती है परिवर्तित होते होते ये क्या होती हैं निकल जाती हैं। तो पूरा हमने डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें क्या हो रहा था, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना द्वारा ये क्या हो रही थी, एक दूसरे से टकराकर यहाँ पर निकल जा रहा था, इधर से प्रकाश जा रहा था इधर से निकल जा रहा था, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं। तो उसको हमने पूरा डिस्कस किया हुआ, आप केवल पढ़ सकते हैं कि प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाशिक तंतु भी और क्रांति कोण भी, आप इसको डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इसका सिद्धांत रचना पूरा डिटेल में आपको
इसको याद करना है। अगला आता है कि नेत्र लेंस की प्रकृतिक होती है। अब भैया नेत्र लेंस की प्रकृतिक कैसी होती है, अभिसारी होती है, अपसारी होती है, या अभिसारी अपसारी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अभिसारी अपसारी तो जानते हैं ना, अभिसारी मतलब एक जगह इकट्ठा करना है, मतलब प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना है, और अपसारी का मतलब उसको फैलाना। तो यहाँ पे याद रखेंगे नेत्र लेंस की जो प्रकृतिक होती है वो क्या कहता है भैया, अभिसरी होती है, अभिसरी होती है। ये क्या कहता है कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, मिलाता है, ठीक है। किस पर, कहाँ पर मिलाता है, तो रेटिना पर मिलाता है। ये पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जब आप डिटेल में किसी चीज को, मैं कहता हूँ कि भैया प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए और चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके स्टेप वाइज पढ़िए, उससे क्या होगा कि आपको पूरा, जब यहाँ पे, अब भैया यहाँ पे बहुत सारे हम ऐसे हैं कि जो पढ़ाए तो हैं परंतु भैया उसको अलग टॉपिक के लेकर हमने डिस्कस नहीं किया है, और केवल आप टॉपिक टॉपिक पढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत से ऐसे चीज है जो आपको मानना होगा कि ऐसा होता ही है, ठीक है। और यदि नहीं मानना है, यदि आपको पूरा समझना है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे अगर आप क्लास करेंगे तो भैया जो भी आप क्लास कीजिए उसको प्लेलिस्ट के अनुसार कीजिए, ठीक है, तो आपको बेहतर होगा। उसके लिए हम अंत में बताएंगे कैसे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। अगला आता है छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा गया है एक प्रकाश किरणें वायु से जल में प्रवेश करती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित होगा। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब प्रकाश किरणें वायु से जल में प्रवेश करेंगी, मतलब वायु से जल में जाएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कौन सा है जिसका मान नहीं बदलेगा, वेग का मान नहीं बदलेगा, या आयाम का, या आवृत्ति का, या तरंग दैर्ध्य का। तो भैया जब वायु से जल में प्रवेश करेगा प्रकाश किरणें तो उसका वेग में तो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो वायु में कुछ अलग होता है, और क्या होता है, जल में कुछ अलग होता है, कांच में कुछ अलग होता है, ठीक है। तो भैया वेग में तो परिवर्तन हो रहा है, तो वेग तो पहले होगा नहीं, आयाम में तो भैया परिवर्तन होगा नहीं, जिस प्रकार वो चल रहा है, गति कर रहा है, उसी प्रकार तो गति करेगा, तो ये भी नहीं होगा। आवृत्ति में तो चेंज होता है, उसकी जो आवृत्ति है उसका चेंज हो जाएगा, वायु में कुछ आवृत्ति अलग होता है, और जो जल में उसकी आवृत्ति, मतलब सॉरी आवृत्ति जो वायु में जितना होगा वही क्या होगा भैया, जल में भी होगा, तो आवृत्ति चेंज नहीं होता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य भी चेंज होता है। और ये सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी, कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है भैया, 25 सेमी होती है, इसको आपको याद रखना है। और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मतलब कम दूरी पूछा जा रहा है, अधिकतम कितनी होती है भैया, अनंत होती है। तो आशा करते हैं कि ये जो 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपको समझ में आया होगा, और आप इसको तैयार करके ही जाएंगे। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तब जाकर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको ये होगा कि बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, ठीक है। ये होगा कि सबसे पहले तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कराए जाएंगे तो वो सबसे पहले आपके पास लिंक पहुंचेगा। दूसरी, तो भैया कुछ भी यदि आप पढ़ लेते हैं उससे अगर एक नंबर का भी आपको फायदा होता है तो फायदा ही ना होगा, नुकसान तो होगा नहीं, तो इसके लिए आपको चैनल हो जाए उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप कह रहे होंगे कैसे आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, तो लिंक के लिए तो बहुत से ऐसे, मैं कहूँगा कि भैया डाउट वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे पूछने लग रहे हैं, तो ऐसा करना उचित नहीं है, ठीक है। ये उन स्टूडेंटों के लिए, ये नंबर यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, वो उन स्टूडेंटों के लिए है जिनको भैया नहीं पता कि किस प्रकार हम प्लेलिस्ट, या तो प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट है, यदि आपको नहीं पता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हम मान लेते हैं आपको क्लास 10th का, क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिक्वेंस में सभी वीडियो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, इतना लिखकर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।